इंटरव्यू देने के लिए आते हैं सोचते हैं दूसरी बातें की इंटरव्यू की नहीं की। मैं कह रहा हूं आप इंटरव्यू के लिए आओ तो अपने आसपास का जो हाल है आसपास, जोधपुर से तो जोधपुर की पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपकी जाति है, आपके देवता है, बाबू जी ऊंट वगैरह, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, करेंट में जो भी चीज चल रही है, चाहे यूक्रेन मसला हो, चाहे आपका चाइना, ये करेंट की सब चीजें आप अपडेट रहे, आप इंटरव्यू आने नॉर्मल रहे। वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा जानता है, पर होता क्या है कि इंटरव्यू या परीक्षा होती है तो सोना भी पिघल जाता है, लड़कों के दिमाग में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मत कीजिए, मैंने इंटरव्यू भी बहुत दिए हैं और अब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वहां बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कल मैं भी उधर बैठता था, आज इधर बैठ रहा हूँ। तो ये तो समय की बातें हैं, आप ही बैठोगे, आप ही लोगे, परंतु हिम्मत रखिए, साहस रखिए, अपने इष्ट को याद जरूर रखिए। आप हो, आप जज्बा रखो, हिम्मत रखो। मैं कैन हॉल में आरएस की कॉपियां 2012 की जांच रहा था, मैं आपको सही मतलब ये बातें वही है जो मैंने की। तो मेरे आरपीएससी के एक बाबू था, टीएडीए भरवाना था, अरे मैंने कहा ध्यान से देना, मैं आ रहा हूँ आरपीएससी मेंबर बनकर। तो मेरी तरफ देखने लगे साहब, 12 में कह रहा हूँ 18 में मैं मेंबर बन रहा हूँ। तो मैं वहां गया तो वो आया साहब आप तो बन गए। मैंने कहा भाई ऐसा है, हमारी जबान सवा को दिन चढ़ता है तब तक रायका रायकने की गाड़ बजती है, तो मैं जो कहता हूँ वो सही हो जाता है। कई बार चारण कहते हैं अरे लड़ो मत, मैंने कहा नहीं, आपकी गाल लगे नहीं लगे परंतु हमारी गाल आज भी लग रही है, आज की बुलंद हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने इष्ट को याद रखो, अपने पुण्य को बढ़ाओ और आगे बढ़ो, कारवां जुड़ता जाएगा, मंजिल मिलती जाएगी, यही मेरा कहना है। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अब आपके भोजन का समय है, अपन मिलेंगे बातचीत करेंगे, आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। छोटी सी चीज और कह दूं क्योंकि लोग बात दो लड़के, थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।